जलंधर विच कोरोना के मामले दिन ब दिन वधदे जा रहे हैं। अज जलंधर विच कोरोना का सब तो वड्डा ब्लास्ट होया है। सेहत विभाग नूं आईआं टैस्ट रिपोर्टां दे मुताबक अज जलंधर विच 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अते एक बजुर्ग व्यक्ति की कोरोना करके मौत भी हुई है। इस दे नाल ही हुण कोरोना के मरीजों की जलंधर विच गिनती 187 हुई है जबकि मरण वालों की गिनती 6 हो गई है। जलंधर विच सेहत विभाग के नोडल अफसर का कहना है कि अज आए 13 मामलों में 12 मामले काजी मोहल्ले के हैं जिथे एक व्यक्ति की कोरोना करके पहला ही मौत हो चुकी है। नोडल अफसर जलंधर टीपी सिंह का कहना है कि ये सारे कोरोना पॉजिटिव मरीज उस व्यक्ति के संपर्क में सन। अज सानू 13 पॉजिटिव केसां रिपोर्ट मिली है जिन्हां चों 8 मेल ते 5 फीमेल है। 12 केसेस इन्हां विचों जिहड़े काजी मोहल्ला तों रिपोर्ट होए है ये सारे उस केस दे कॉन्टैक्ट है जिहड़ा कुछ देर पहला उत्थों सानू मिलिया सी ते बाद दे विच अनफॉर्चुनेटली उह डैथ हो गई सी। इस तरह सानू अज एक जिहड़ा केस है वह पुरानी सब्जी मंडी तो भी मिलिया। अज एक अनफॉर्चुनेटली जलंधर नाल संबंधित मरीज जिहड़ा कि PGI CMC लुधियाना विच दाखल सी उहदी भी सवेरे अज मौत की खबर मिली है। सो इस तरह जलंधर जिले नाल संबंधित मौतों की गिनती 6 हो गई है और पॉजिटिव केसिस ने जिहड़े वो 187 प्रशासन वालों केस वधन की उम्मीद है क्योंकि जिस तरह लगातार जलंधर च केस वधी जांदे पए ने। हाँ जी हुण क्योंकि जो प्रशासन वालों फैसला लिया गया कर्फ्यू 10 दिन का ये दौरान लोग घरों बाहर निकलन गए बड़ी कुदरती गल है मिक्सअप भी होंगे आपस में तो उम्मीद है भी नंबर ऑफ केसेस कुछ बढ़न गए पर जे लोग थोड़ा जिहा सयानम करन अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग का जिहड़ा साडा फंडा है उहनू प्रॉपरली फॉलो करन जिहड़ी बाकी सावधानियां वरते रहन किसी नूं हाथ ना मिलान किसी नूं जफ्फी पा के ना मिलन या बार बार अपने हाथ धोंदे रहन तां असीं काफ़ी हद तक इस तकलीफ तों बच सकते हैं।